हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज कर्ण स्क्वायर। यू आर वाचिंग मी एंड माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 के बारे में। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस, जितने भी आपके पास एग्जांपल्स हैं, जितने भी मिसलेनियस के क्वेश्चन है गाइस, इनको आपको जरूर करना है। और जो क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 13 तक क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, 4.2 के, तो इनको तरीके से आपको कर लेना है। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखिएगा यहाँ पे, प्रूव दैट आपको एक मैट्रिक्स डिटरमिनेंट दे रखी है, उसको प्रूव करना है, a³ + b³ + c³ - 3ab। इसकी वैल्यू आपको बहुत सारे आपको प्रूव करनी है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको प्रूव करना है। सो कैसे प्रूव करेंगे, देखिएगा यहाँ पे, आप जब इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, इस डिटरमिनेंट को जब आप ऑब्जर्व करते हो गाइस, सो आपको क्लियर होता है कि मैं जब ऐड करूं यहाँ पे कुछ वैल्यूज को, देखिएगा यदि मान लो कि मैं कॉलम को ऐड करता हूँ यहाँ पे, तो क्या कुछ कॉमन रिजल्ट निकल के आ सकता है। सो मैं यदि तीनों कॉलम को ऐड कर दूं, देखो क्या बनेगा यहाँ पे, b+b क्या देगा आपको, 2b दे देगा, एंड ये a+a 2a दे देगा, और बट c बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हम कॉलम को ऐड नहीं कर सकते, तो हम ऐड करते हैं किसको, रो को। सो हॉरिजॉन्टल जो आपके पास फॉर्म दे रही है उसको ऐड करते हैं। तो देखिए b+c जब c+a और जब a+b ईच अदर ऐड होंगे तो क्या बनेगा रिजल्ट, देखिएगा b+b क्या बन जाएगा, 2b बन जाएगा, a+a क्या बन जाएगा, 2a बन जाएगा, c+c क्या बन जाएगा, 2c हो जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2a + 2b + 2c, और यहाँ पे जो बनेगा वो a+b+c बनेगा। बट हमें फायदा क्या होगा कि वहां से हम a+b+c कॉमन ले सकते हैं। सो यहाँ पे हम करने क्या जा रहे हैं, देखिएगा इसके अंदर। सो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन राइट कर देता हूँ स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, यहाँ पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ R1 के अंदर। तो यहाँ पे हमने R1 में क्या चेंजेस किया, देखिएगा आप जब ऑब्जर्व करो ना उसको, तो चेक करके देखिए कि कहीं ना कहीं मैं कॉमन तो ले सकता हूँ, ले सकता हूँ यहाँ पे। आपके पास जो 1-1 दे रखा है किसी डिटरमिनेंट के अंदर, क्या मैं इसको 0-0 बना सकता हूँ। तो जितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज यूज करोगे किसी क्वेश्चन के अंदर, उतना इजी क्वेश्चन बनने वाला है गाइस, और आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप उसको कर पाते हो। सो यहाँ पे देखिएगा मैं R1 जो है ना उसको चेंजेस कर रहा हूँ यहाँ पे, R1 + R2 + R3, तीनों को ऐड कर दीजिए। जब तीनों को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा, देखिए फर्स्ट जो होगा आपके पास, देखिए ऐड करके रफली करके देख सकते हो आप यहाँ पे R1 + R2 + R3। आपके पास जो रोज होती है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती है इस तरह से, तो जब आप उसको ऐड करोगे तो उसके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऐड होते जाएंगे। सो b+c + c+a + a+b, तो ऐड करके देखिए क्या वैल्यू देगा ये आपके पास, 2a + 2b + 2c ये देगा, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे ये एलिमेंट चेंज कर देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, 2a + 2b + 2c, और ये जो आपके पास बचेगा वो क्या बचेगा आपके पास, a+b + c ये रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने कोई चेंजेस नहीं किया है तो उसको राइट डाउन कर दीजिए, c+a एज इट इज राइट किया, a+b एज इट इज राइट किया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसको भी राइट कर दो, b+c, और ये हो गया c+a, इधर क्या आ गया, b एंड c, ठीक है, यहां तक हमने राइट डाउन कर लिया है। उसके बाद देखिएगा यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, निकाली 2 कॉमन आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे। सो इसके बाद मैं राइट आउट कर देता हूँ, इसमें 2 कॉमन लिया हमने, सो 2 बाहर ले लेते हैं, क्या बचा, a+b+c, और यहाँ भी क्या रहेगा, 2 कॉमन लिया तो क्या बचा आपके पास, a+b+c, और इधर रहेगा आपके पास a+b+c, ठीक है। और इनको नेक्स्ट को आप एज इट इज राइट कर सकते हो, तो c+a ये बन जाएगा a+b, इधर आ जाएगा आपके पास b+c, और ये बन गया c+a, एंड ये हो गया आपके पास b एंड c, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि गाइस यहाँ पे a+b+c जो है, a+b+c वो फर्स्ट रो से हम कॉमन ले सकते हैं। सो आप राइट डाउन क्या करो गाइस, यहाँ पे आप लिखोगे, देखो मैं इसको इरेज कर देता हूँ स्टूडेंट्स, इसको राइट डाउन कर सकते हो आप पहले। सो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखिएगा यहाँ पे हम कॉमन लेंगे क्या, a+b+c, तो कॉमन निकाल लीजिए पहले। सो हम लिख देंगे यहाँ पे टेकिंग कॉमन a+b+c फ्रॉम R1 में से हमने क्या कॉमन लिया है, यहाँ पे a+b+c कॉमन लिया है, तो बाहर निकालिए इसको, तो ये आ जाएगा आपके पास a+b+c जो है उसको हमने कॉमन ले लिया। जब कॉमन लिया तो ये यहाँ पे क्या रहा, 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या रहा, 2, और यहाँ पे क्या बचा, 1, बट हमने यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किया है, तो यहाँ लिख दीजिए c+a, ये आ जाएगा a+b, और यहाँ पे बन जाएगा b+c, और इधर आ जाएगा c+a, और यहाँ पे बन जाएगा b एंड c, ठीक है। यहाँ तक कर लोगे आप गाइस,
उसके बाद देखिएगा यहाँ पे जब आप इसको फिर ऑब्जर्व करोगे गाइस, मैंने क्या बोला आपको, जीरो जीरो बनाओगे किसी भी डिटरमिनेंट को, तो उसकी वैल्यू को एक्सपेंड करना, उसकी वैल्यू को फाइंड करना इजी होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जीरो बना दो और उससे क्या कर दो, आप एक्सपेंड कर दो। एक रूल होता है डिटरमिनेंट का एक्सपेंड का, कि जहां पे जिस रो के अंदर या जिस कॉलम के अंदर मैक्सिमम रोज मैक्सिमम जीरोस होती है, उससे एक्सपेंड करना काफी इजी होता है। सो यहाँ पे हम इस टू को जीरो बना सकते हैं, इस टू को जीरो बना सकते हैं, इस टू को भी जीरो बना सकते हैं। हम कैसे बनाएंगे देखिएगा, यहाँ पे जो टू वाला पार्ट है, अब ऐसे तो माइनस कर नहीं सकता हम इस तरह से, तो ये माइनस होता तो क्या होता, आपके पास रोज माइनस होती, बट माइनस कैसे करूंगा, टू माइनस टू, तो यहाँ देखिएगा ये कॉलम माइनस होंगे, क्या होंगे, माइनस कॉलम। तो यहाँ पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ सी वन के अंदर, देखो फर्स्ट चेंजेस हो रहा है यहाँ पे सी वन, तो सी वन में चेंजेस कैसे होगा आपके पास, सी वन माइनस सी टू, पहले चेंजेस ही कर दो आप। किसी भी ऑपरेशन को हम स्टार्टिंग में दो तरीके से कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तीन एक साथ नहीं होंगे, तीन ऑपरेशन एक साथ नहीं हो सकते, मैक्सिमम आप ऑपरेशन एक साथ कर सकते हो। तो मैं सी वन पे अप्लाई कर देता हूँ पहले, सी वन माइनस सी टू, उसके बाद सी टू को चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सी टू को कैसे चेंज करूँ, देखो इसको भी मैं जीरो बना सकता हूँ ऐसे, ये जीरो कैसे बनेगा, जब मैं इसको टू से मल्टीप्लाई, ध्यान सुनिएगा, इस वन को हम टू से मल्टीप्लाई करें और इसमें से माइनस कर दे, तो ये भी क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। वापस सुनिएगा, इसको टू को जीरो बनाने के लिए क्या करूंगा, मैं टू से मल्टीप्लाई करके माइनस करवा दूंगा। अब अकेला ये वन टू से मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे ये जो सी थ्री आ रहा है वो मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या बन जाएगा, देखो सी टू माइनस का क्या हो जाएगा, टू सी थ्री, ये राइट डाउन कर सकते हो। पहले हमने सी वन को चेंजेस किया है, क्या लिखा मैंने, सी वन माइनस सी टू, तो ओनली ये जो सी वन होगा वो सी टू को ईच अदर कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स होंगे वो माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ए प्लस बी प्लस सी तो चल रहा है यहाँ पे बाहर, है ना। अब इसमें से माइनस कीजिए, टू माइनस टू क्या हो गया, जीरो। अब जब मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो यहाँ पे जो सी होगा वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, ए माइनस बी, करते जाएगा रफली वर्क करके, देख सकते हो कैसे माइनस हो रहा है, सी प्लस ए में से बी प्लस सी माइनस करके देखना, आपके पास बचेगा ए माइनस बी। इसमें से इसको माइनस करोगे गाइस तो ये बचेगा बी माइनस सी, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कीजिए, देखिए यहाँ पे सी टू की वैल्यू कितनी है, टू है, और ये टू से मल्टीप्लाई होती है, ये भी टू हो गया, क्या दे देगा आपको आंसर, जीरो दे देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बी प्लस सी, यहाँ पुट कर देता हूँ, सी टू की वैल्यू कितनी आ रही है, बी प्लस सी आ रही है, और यहाँ पे टू मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, बी से, क्योंकि सी थ्री की वैल्यू इसके कोरस्पोंडिंग क्या भी है, तो यहाँ पे हो गया बी। सो ये बच गया आपके पास, क्या देखो माइनस का टू बी प्लस का बी क्या देगा, माइनस का बी देगा, माइनस का बी और प्लस का सी, तो क्या बन गया ये, सी माइनस बी, मैं राइट डाउन कर सकता हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सी प्लस ए, अब सी टू की वैल्यू क्या है, यहाँ पे सी प्लस ए है माइनस का, फिर किससे मल्टीप्लाई है, टू सी से, दो बताओ क्या होगा, माइनस का टू सी प्लस सी क्या देगा आपको आंसर, माइनस का सी देगा, और ये प्लस का ए पे बन जाएगा ए माइनस सी। अब इनमें कोई चेंजेस नहीं किया है हमने, सो राइट डाउन कर दीजिए वन बी एंड सी। सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट रो के अंदर टू जीरोस बन चुकी है, तो हम इससे क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम एक्सपेंड करेंगे। ये एक्सपेंड का रूल होता है कि मैक्सिमम जीरो जिसमें लाई कर रही होती है उसी से हम एक्सपेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे राइट डाउन करोगे एक्सपेंड, एक्सपेंड अलोंग विद, एक्सपेंड अलोंग विद आर वन। सो आर वन के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड करेंगे तो जीरो के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा जीरो बन जाएगा, ये जीरो से भी एक्सपेंड नहीं करेंगे, ये भी जीरो बना देगा, तो ओनली वन के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड करने वाले हैं। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये रो कैंसिल हो जाएगी। तो अब आपके पास देखो टू क्रॉस टू वाला एक डिटरमिनेंट बन चुका है, तो पहले मल्टीप्लाई कौन होता है, ये एलिमेंट हो गए, ठीक है। फिर ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये वाले माइनस हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, ये मैंने राइट किया। अब देखो मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग रो कैंसिल है, ये कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कैंसिल है, ए माइनस बी मल्टीप्लाई किससे होगा, ए माइनस सी से, ध्यान सुनिएगा, ए माइनस बी मल्टीप्लाई किससे होगा, ए माइनस सी से, लिख दीजिए आप यहाँ पे ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए माइनस सी माइनस। अब माइनस कर रहा हूँ, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो यहाँ लिख दो आप इसको सी माइनस बी एंड मल्टीप्लाई बी माइनस सी, ये राइट ऑन कर दिया। उसको लिखना चाहो तो आप ब्रैकेट में ऐड कर सकते हो, क्यों, क्योंकि माइनस बाहर चल रहा है, तो उसको मैं ब्रैकेट में ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया, अब इसको थोड़ा सोल्व कर लो आप यहाँ पे, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये बाहर चल रहा है आपके पास, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, ए मल्टीप्लाई ए क्या बना, ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई माइनस सी क्या बना, माइनस का ए सी, बी मल्टीप्लाई ए क्या बना, माइनस का ए बी। देखो बी ए भी बन सकता है, ए भी बना सकते हो उसको, माइनस बी माइनस सी क्या बन जाएगा, प्लस का बी सी बन जाएगा। इसको आप सोल्व कर लो पहले एक बार, ये माइनस बाहर चल रहा है, हमने इसको मीडियम ब्रैकेट को सोल्व किया, सी मल्टीप्लाई बी क्या देगा आपको, बी सी देगा, एंड सी मल्टीप्लाई माइनस सी क्या देगा, माइनस का सी स्क्वायर देगा, माइनस का बी प्लस का बी क्या देगा आपको, माइनस का बी स्क्वायर देगा, और नेक्स्ट देखिएगा माइनस का बी माइनस का सी क्या देगा, प्लस का बी सी देगा, ठीक है। याद है क्लियर आपको,
सो उसके बाद देखिएगा आप इसको माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको इरेज कर देता हूं यहां पे। सो एक लास्ट से बचेगा आपके पास ए प्लस बी प्लस सी, आपने एज इट इज राइट किया है। उसके बाद देखिएगा यहां पे ए स्क्वायर माइनस ए सी माइनस ए बी एंड प्लस बी सी, इन साइड मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस साइन से साइन चेंज हो जाएगा इसके, ये बन जाएगा माइनस का बी सी, नेक्स्ट हो जाएगा प्लस का सी स्क्वायर, नेक्स्ट होगा प्लस का बी स्क्वायर एंड नेक्स्ट हो जाएगा माइनस का बी सी। स्टूडेंट क्लियर है यहां तक? सो उसके बाद देखिएगा यहाँ पे अब कुछ कैंसल हो सकता है शायद, प्लस का बी सी माइनस का बी सी कैंसल हो जाएगा। उसके बाद उसको अरेंज कर दो आप, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और देखो क्या बचा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मैं इसको अरेंज किया है। उसके बाद मैं राइट कर सकता हूँ पहले माइनस का ए बी, फिर ऐड कर सकता हूँ माइनस का बी सी, और फिर ऐड कर दूंगा माइनस का ए सी, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, तो अरेंज हमने कर दिया है। सो अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपने नाइन्थ क्लास में जो लोअर क्लासेस थी नाइन टेंथ, उसमें आपने एक फॉर्मूला रीड किया होगा। अब फॉर्मूला समझाता हूँ क्या रीड किया होगा आपने। देखो एक फॉर्मूला होता था नाइन्थ क्लास के अंदर एलजेब्रा के अंदर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का थ्री ए बी सी दैट इज इक्वल टू होता था क्या, ए प्लस बी प्लस सी बाहर चलता था, ब्रैकेट में आता था क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए या ए सी, कुछ भी ऐड कर दो उसको, ठीक है। तो अब आपके पास ये वैल्यू मिल रही है, जब आपके पास ये गिवन होता था तो आप क्या राइट कर देते, ये वाली वैल्यूज, ठीक है। बट आपको यहाँ पे ये गिवन है, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, तो इसकी जगह हम ये राइट डाउन कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप फॉर्मूला इसको अटैच कर दोगे ताकि पता लग जाए कि हमने ये फॉर्मूला यूज किया है, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूंगा यहाँ पे। सो देयरफॉर क्या आ जाएगी वैल्यू, देखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का थ्री ए बी सी, एक फॉर्मूला होता है गाइस इसका। सो इसका फॉर्मूला ये होता है, बट हमने इसको इसमें यूज कर लिया, उसको जस्ट इनवर्स यूज कर लिया, ठीक है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, यही लाना था आपको, ये क्या हो गया है प्रूव। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सो इनको सो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 पे। सो 10 देखिए क्या है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। सो इस डिटरमिनेंट की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। सो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखिएगा। सो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन इसका राइट डाउन कर देता हूँ गाइस। सो आपको यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। सो पहले आप इसको एक बार सिंप्लीफाई कर लो आप। तो सिंप्लीफाई मतलब इसका स्क्वायर वगैरह जो दे रखा है उसको ओपन कर लीजिए आप। ये वन क्या जाएगा आपके पास देखिएगा, जब वन स्क्वायर अगर ओपन कर देंगे तो वन स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन टू स्क्वायर हो जाएगा फोर, थ्री स्क्वायर इज नाइन एंड नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा फोर नाइन एंड सिक्सटीन, और ये बन जाएगा आपके पास नाइन सिक्सटीन एंड ये हो जाएगा आपके पास 25, ठीक है। सो यहाँ पे यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया, इसको सिंप्लीफाई किया जस्ट। अब उसके बाद देखिएगा क्या हम यहाँ पे एलिमेंट्स को जीरो बना सकते हैं। आप करना चाहो तो यहाँ पे भी एक्सपेंड कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम से, बट यहाँ पे हम जैसे प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो वहां पे वो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो देखो क्या मैं इस 4 को जीरो बना सकता हूँ क्या, आपके माइंड में आनी चाहिए चीजें, ये आपके माइंड में सोचने पे आपको मजबूर कर देनी चाहिए कि मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा गाइस। जब तक आप ये थिंकिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप एडवांस वर्क नहीं कर पाओगे अपने माइंड के ऊपर। सो यहाँ पे जितना प्रेशर आप लोगे उतना बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा मैथ्स के अंदर। सो यहाँ पे देखिएगा आपको ऐसा नहीं करना है कि कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो आप उसको छोड़ दो, नहीं, आपको लगे रहना है। लास्ट आपका आंसर जब आएगा तो आपको इतनी खुशी होगी आपको कि वो लगेगा कि वाकई कुछ मिल गया आपको यार। सो यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे जो 4 दे रखा है उसको मैं 9 बना सकता हूँ। अब कैसे बनाऊंगा देखो, यहाँ पे ऐसे माइनस को करेंगे सिंपल। यहाँ पे इजी किस वे में रहेगा, जब आप इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान सुनिएगा, यहाँ ये 4 जो है वो 0 बन सकता है, इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो तो ये 0 बन जाएगा। तो पहले हमने 0 किसको बनाया, देखो ये किसका पार्ट है आपके पास, C2 का पार्ट है, किसका पार्ट है, C2 का। तो हमने यहाँ पे C2 के अंदर चेंजेस किया है, ध्यान सुनिएगा, C2 के अंदर चेंजेस किया क्या, C2 माइनस का 4C1। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि C2 चेंज हो गया यहाँ पे, तो जो चीज चेंज हो रहा है यहाँ पे उसको पहले नंबर पे लिखते हैं। उसके बाद अब बताओ इस 1 को मल्टीप्लाई करो तो 1 किसका पार्ट है, C1 का पार्ट है, तो ये पूरा की पूरा किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। अब चेंजेस करते जाओ आपके पास आंसर मिल जाएगा। उसके बाद देखिएगा मैं नेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ इस 9 को, इस 9 को भी हम 0 बना सकते हैं। इस 9 को 0 कैसे बनाएंगे हम, इसको भी मल्टीप्लाई किससे कर दें, 4 से नहीं 9 से, ठीक है। तो यहाँ पे हम C3 को चेंज कर सकते हैं, C3 को चेंज कैसे करेंगे, C3 माइनस का 9 C1, C3 माइनस का 9 C1 कर सकते हैं ऐसे। तो जो चेंजेस होगा उसको लिख देंगे हम। तो बताओ यहाँ पे चेंजेस किसमें की नहीं किया मैंने, C1 में कोई चेंजेस नहीं किया है, इसको राइट डाउन कर दीजिए आप ऐसे कैसे, 1
और 9, इसको राइट डाउन कर दिया, यहाँ पे चेंजेस किया, आप देखो C2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, और ये 4 मल्टीप्लाई, और ये क्या बन गया, 0 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ C2 की वैल्यू कितनी है, 9 है, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 4 से, C1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से, उसका कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो C2 की वैल्यू कितनी है, 9 है, माइनस 4 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 4 से, 4 4 से क्या हो जाएगा, 16। अब बताओ यहाँ पे 9 माइनस 16 क्या देगा, माइनस का 7 आंसर देगा, क्या देगा, माइनस का 7। आपको लग रहा है कि मेरे को रफली करके देखने की जरूरत है, तो आप रफली करके देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो नेक्स्ट वाले देखिए, C2 की कितनी है, 16 है, C2 की वैल्यू 16 है, और 4 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 9 से हो रहा है, सो 9 मल्टीप्लाई 4 कितना बनेगा, 6 है, 36। तो 16 माइनस 36, देखो C2 की वैल्यू कितनी गाइस यहाँ पे, 16 है, 4 किससे मल्टीप्लाई है, 9 से, तो 16 माइनस 36 बनेगा, क्या देगा आंसर, माइनस का 20 देगा। उसके बाद मैं यहाँ पे भी C3 के अंदर भी चेंजेस कर सकता हूँ, C3 कितनी है, 9 है आपके पास, और 9 मल्टीप्लाई किससे, C1 से, तो C1 से 9 से, तो 9 माइनस 9 क्या देगा, आपको 0 दे देगा। उसके बाद 16, C3 की वैल्यू बन जाएगी, देखो C3 की वैल्यू क्या है, 16 है, माइनस का 9 मल्टीप्लाई किससे, 4 से, तो ये बन जाएगा 16 माइनस 36 क्या देगा आपको आंसर, माइनस का 20। तो यहाँ पे आ गया माइनस का 20, और यहाँ पे देखो C3 की वैल्यू कितनी है, 25 है माइनस का, और इसको किससे मल्टीप्लाई करवाया मैंने, 9 से, 9 9 से क्या हो जाएगा, 81, तो ये आंसर देगा माइनस का 56। तो यहाँ पे आ गया माइनस का 56, ठीक है। सो यहाँ पे राइट डाउन कर दिया मैंने 56, यहाँ देख ले रहे हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट रो के अंदर मैक्सिमम 2 जीरो मिल चुकी है, वो सिंपल तरीका है प्रॉपर्टीज को विश्लेषण करने का, जहां 1 1 दे रखा है उसको 0 0 बनाइए, और मैक्सिमम 2 जीरो होते हैं उसे एक्सपेंड कर दो यहाँ पे, और यदि किसी कॉलम के अंदर या किसी भी रो के अंदर 3 0 हो जाए, पूरी एलिमेंट से 0 हो जाए उसके किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो आप प्रॉपर्टी जितनी ज्यादा लर्न करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस पे, उतना आपको बेटर रिजल्ट मिलता जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक्सपेंड कर देते हैं स्टूडेंट्स, सो एक्सपेंड एक्सपेंड अलोंग विद R1 के अकॉर्डिंग उसका एक्सपेंड कीजिए। अब इससे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, इससे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, इससे एक्सपेंड करेंगे ओनली 1 से, तो कोरस्पॉन्डिंग कॉलम कैंसिल होगा इसका, इसका कोरस्पॉन्डिंग रो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो 1 तो बाहर चलेगा क्योंकि प्लस का साइन देगा आपके पास, तो मैं यहाँ पे एक्सपेंड कर देता हूँ, देखो इसको ये 1 बाहर चल रहा है। अब इनसाइड देखिए क्या आएगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम कैंसिल किया, कोरस्पॉन्डिंग रो कैंसिल किया है, सो माइनस 7 मल्टीप्लाई किस, पहले ये मल्टीप्लाई होते हैं जो मेन डायगोनल्स के एलिमेंट्स होते हैं, पहले उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस का हो गया, और 7 में जो 56 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर देगा 392 बनेगा। उसके बाद फिर मैं माइनस का साइन लगाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब आपके पास नॉन मेन डायगोनल्स के एलिमेंट मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस का साइन आता है उसके अंदर, है ना, 2 क्रॉस 2 के अंदर। तो अब माइनस बन गया, अब देखो इसको देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, और 20 को जब 20 से मल्टीप्लाई करूंगा 400 बनेगा वो, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा लास्ट में, वो आपके पास माइनस का 400 हो जाएगा। वापस देखो एक बार, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस का 392 बन गया। उसके बाद माइनस लगाते हैं, है ना, और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का, अब वो माइनस ऑलरेडी आपके पास फॉर्मूले में है और ये बना प्लस का, तो प्लस माइनस क्या देगा लास्ट में, आपको माइनस देगा, 20 मल्टीप्लाई 20 क्या हो गया, 400 हो गया। तो ये आंसर क्या देगा, माइनस का 8 देगा आपके पास, तो ये आंसर आ गया आपके पास माइनस का 8। सो इसको राइट डाउन कर सकते हो, मैं बात करता हूँ नंबर 11 पे। सो 11 को रीड कर लो गाइस, यहाँ पे क्या है नंबर 11 देखो, 11 आपको दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, इस डिटरमिनेंट की जो गिवन है उसकी वैल्यू निकालनी है। अब आपको इस क्वेश्चन में गिवन है कि ओमेगा जो दे रखा है, डब्ल्यू जो दे रखा है उसको ओमेगा बोल सकते हो अब यहाँ पे, ना। सो यहाँ पे जो ओमेगा की वैल्यू दे रखी है उसको बोला गया क्यूब रूट ऑफ यूनिट यानी 1। तो जो ओमेगा दे रखा है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन 11 की बात करूं मैं, इसका सॉल्यूशन देखिएगा, यहाँ पे जो ओमेगा की वैल्यू दे रखी गाइस वो दे रखी है क्यूब रूट ऑफ 1। इसका मतलब क्या, समझिए, क्यूब रूट जैसे स्क्वायर रूट की बात करूं मैं, स्क्वायर रूट की, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। क्यूब रूट की बात करूं तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1/3 होगी, 1/3। सो क्यूब रूट की जो पावर होती है ना, पावर फॉर्म में राइट करो उसको, 1/3 राइट करूंगा। तो क्या मैं इसको राइट ऐसे कर दूं कि ओमेगा इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3 राइट कर सकते हैं यहाँ पे, 1 की पावर 1/3। अब देखो यहाँ पे यदि 1 की पावर हटानी है, ये 1/3 जो दे रखा है, यहां से 1 की पावर हटानी है, तो उसकी पावर्स को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, बोथ साइड 3 से। यदि इस दोनों को पावर को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ तो बन जाएगा ओमेगा क्यूब, क्योंकि यहाँ पे लार्ज वैल्यू दे रखी है ओमेगा क्यूब, उसको हटानी है आपको। तो यहाँ से मैंने इसकी पावर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और देखो अब यहाँ से यदि पावर 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा, 1 की पावर 1, और 1 की पावर 1 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 1 आ गई। इसको वापस देखो एक बार,
ओमेगा क्यूब दे रखा है क्यूब रूट ऑफ वन, सो क्यूब रूट ऑफ वन राइट किया मैंने, और जब आपके पास क्यूब रूट ऑफ वन होता है उसकी पावर क्या होती है 1/3 होती है, तो पावर 1/3 फॉर्म में मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पे पावर को हटाना है, तो बहुत साइड पावर को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो इधर तो बन जाएगा ओमेगा क्यूब, और इधर जैसे पावर ही 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 3 से 3 कट जाएगी, तो बचेगा क्या ओनली 1, सो 1 की पावर 1 क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो जहां पे भी ओमेगा क्यूब दे रखा है उसकी वैल्यू क्या पुट करोगे आप 1, सो यहाँ पुट कर दीजिए इसमें, तो मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, देखो क्या बनेगा 1, वहां पे ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हो गई 1, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज राइट किया है, इधर ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या हो गई 1, ये 1 चल रहा है, ये हो गया ओमेगा आपके पास, और इधर हो गया ओमेगा स्क्वायर, इधर आपके पास ओमेगा, ये आपके पास 1 है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद देखिएगा 1 1 जहां पे भी दिखिए आपको क्या बना दो उसको 0 बना दो आप, तो 0 बनाने की मैं कोशिश करता हूं। यहां पे देखिएगा यहां पे ये C1 का पार्ट है, आप चाहो देखो R1 माइनस R2 भी कर सकते हो, क्योंकि ये भी आपके पास 1 - 1 0 दे देगा, 1 - 1 0 दे देगा, इधर भी कॉलम भी आप माइनस कर सकते हो, जैसा करना चाहो वैसे कर सकते हो आप यहां पे, ठीक है। सो मैं यहां पे चेंज कर देता हूं रो के अंदर, तो फर्स्ट चेंज हो रहा है R1 के अंदर। अब R1 में क्या चेंजेस किया देखिएगा, मैंने यहां पे R1 में चेंजेस किया है R1 माइनस R2 कर दो आप चेंजेस, R1 माइनस जब R2 करोगे गाइस, सो ये वैल्यू देगा आपको, देखो क्या R1 माइनस R2 करके देखो, यहां पे ये R1 चेंज हो रहा है पूरा, ये R1 ये वाली वैल्यूज, तो चेंज कीजिए यहां पे, देखिए ये तो आपके पास R1 माइनस R2 करो, तो R1 माइनस R2 का क्या बन जाएगा 0, क्योंकि हम चेंज किसको कर रहे हैं R1 को कर रहे हैं, तो ये एलिमेंट क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किया तो ये भी क्या हो गया 0 हो गया, और इसमें से इसको माइनस किया तो ये हो जाएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। अब यहाँ पे R2 में कोई चेंजेस नहीं है, R3 में कोई चेंजेस नहीं है, तो 1 1 ओमेगा, इधर आ गया आपके पास ओमेगा स्क्वायर, इधर आ गया ओमेगा, इधर आ गया 1, ठीक है यहां तक। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो कि फर्स्ट रो के अंदर मैक्सिमम 0 हो चुके 2, तो उससे एक्सपेंड करना आपको इजी रहेगा, तो आप क्या लिख दोगे एक्सपेंड अलोंग विद R1। अब R1 के अकॉर्डिंग क्या कर दो एक्सपेंड कर दो, तो इससे एक्सपेंड करना ही नहीं है, इससे एक्सपेंड करना ही नहीं है, तो ये साइन क्या होता है प्लस का, ये साइन क्या होता है माइनस का, यहाँ पे क्या होता है प्लस का होता है, तो आपको ओनली इस एलिमेंट से क्या करना है एक्सपेंड करना है, क्योंकि 0 से भी एक्सपेंड करोगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी, तो आपको इससे एक्सपेंड करना है, तो कर दो एक्सपेंड, देखो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा बाहर चलेगा क्योंकि मैं इससे एक्सपेंड कर रहा हूँ, साइन किसका आएगा प्लस का, ठीक है। ये लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि पूरा 0 बन जाएगा, करके लिख लीजिएगा कि यदि आप इससे एक्सपेंड करोगे तो वैल्यू को 0 बना देगा, तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा से एक्सपेंड किया, कोरस्पॉन्डिंग कॉलम कैंसिल, कोरस्पॉन्डिंग रो कैंसिल, ये हाइड हो जाएगी और ये हाइड हो जाएगी, तो बचेगा आपके पास 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। अब ये वाली वैल्यूज बन गई आपके पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सो 1 - ओमेगा मल्टीप्लाई जब होगा तो क्या आ जाएगा ओमेगा आ जाएगा, फिर माइनस करते हैं हम, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 क्या होगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यहां क्लियर है आपको। सो देखो यहां पे हमने एक्सपेंड किया है ओनली 1 एलिमेंट से, जो थर्ड वाला ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा से, कोरस्पोंडिंग कॉलम कैंसिल, कोरस्पोंडिंग रो कैंसिल, ये आपके पास 4 एलिमेंट बचे। अब पहले मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, फिर माइनस करते हैं इन दोनों को। अब यहाँ पे देखो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर ओमेगा में से, हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स ओमेगा, ओमेगा बाहर निकाल लो, इन दोनों में से ओमेगा बाहर आ सकता है, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास ओमेगा माइनस 1, जैसे आप ओमेगा कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा ओमेगा और यहाँ बचेगा 1, तो ओमेगा माइनस 1 आ गया। यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से भी क्या कॉमन ले लोगे आप ओमेगा, तो जैसे ओमेगा कॉमन लिया तो ये क्या बचा आपके पास 1, यहाँ पे रहा 1 और यहाँ पे क्या रहेगा माइनस का ओमेगा, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। सो ओमेगा इंटू ओमेगा क्या बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको यहाँ राइट डाउन कर दीजिए ओमेगा स्क्वायर, देखो ओमेगा इंटू ओमेगा क्या देगा ओमेगा स्क्वायर देगा। अब यहाँ पे देख रहे हो ओमेगा माइनस 1 एंड 1 माइनस ओमेगा, आप चाहो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, बट मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला बना देता हूँ, इजी बन जाएगा। तो देखो कैसे बनाते हैं, यहाँ पे ओमेगा माइनस 1 में से हम माइनस कॉमन लेते हैं, ओमेगा माइनस 1 में से हम माइनस कॉमन लेते हैं, तो माइनस बाहर लूंगा तो यहाँ पे क्या लग गया माइनस का साइन, क्या लग गया आपके पास माइनस, ठीक है ये आपके पास माइनस आ जाएगा, यहाँ पे मैंने लगा दिया माइनस, तो ये माइनस हो गया, जैसे हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर आ गया। अब बताओ ये क्या बचा आपके पास, देखो माइनस कॉमन लिया 1 तो क्या हो गया प्लस का, और ये ओमेगा हो गया माइनस का, तो 1 माइनस ओमेगा हो गया, ये ओमेगा 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 स्क्वायर हो चुका था, और इसको एज इट इज राइट कर दीजिए, 1 माइनस ओमेगा को एज इट इज राइट कर दो, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा ए माइनस बी एंड ए माइनस बी, देन क्या हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर सकते हो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का क्या होता है 2 ए बी होता है, तो मैं यहाँ पे उसको ओपन कर देता हूँ, यहाँ पे माइनस को ओमेगा स्क्वायर चल रहा है आपके पास, इन दोनों को ओपन करोगे देखो यहाँ पे चल रहा है ए माइनस बी, ए माइनस बी, देन क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर,
तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले होगा ए स्क्वायर, फिर होगा बी स्क्वायर, फिर होगा माइनस का टू ए बी। अब ये यूज कर देना, इसमें आंसर आ जाएगा आपके पास। तो वन का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा वन, फिर करूंगा बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और माइनस का टू ए बी करके लिखना तो आंसर देगा माइनस का टू ओमेगा। ठीक है यहां तक। अब उसके बाद एक फॉर्मूला और लर्न करना आपको। अब फॉर्मूला कौन सा, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला था बिकॉज वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है जीरो के इक्वल। एक फॉर्मूला और होता है वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। ये इलेवन क्लास में रीड किया होगा आपने, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो किसकी, देखो आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको वन प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू निकाल लो आप, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या देगा, माइनस का ओमेगा। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर वैल्यू निकाल सकते हो, क्या देगा आपको, माइनस का ओमेगा देगा। तो यहाँ से वैल्यू निकालो माइनस का ओमेगा, तो यहाँ रख दो, ये बन जाएगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर चल रहा है बाहर। अब देखो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, माइनस का ओमेगा, माइनस का ओमेगा इसकी जगह पुट कर दिया मैंने, ये चल रहा है माइनस का टू ओमेगा। अब बताओ स्टूडेंट्स ये क्या बनेगा, माइनस का थ्री ओमेगा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस का थ्री ओमेगा। तो उसको मैं यहाँ पर राइट डाउन कर देता हूँ, माइनस का ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई ये बन गया माइनस का थ्री ओमेगा, सो माइनस का क्या हो गया थ्री ओमेगा। अभी बन जाएगा माइनस का माइनस प्लस, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर जब ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ओमेगा क्यूब बन जाएगा, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया थ्री ओमेगा क्यूब, ये हो गया थ्री ओमेगा क्यूब। अब यहाँ पे देखो थ्री ओमेगा क्यूब हो गया, ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है वन, तो थ्री मल्टीप्लाई वन करूंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर, थ्री आ जाएगा। ठीक है, हो गया आंसर हो गया। तो ऐसे आप राइट डाउन कर सकते हो स्टूडेंट्स। सो अब यहाँ पे ये आप राइट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट हम बात करेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, सो प्लीज राइट डाउन गाइस।